अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग बात करने लगे आगे स्टेजेस की मैनेजमेंट की, लेकिन उससे पहले जरा पार्टोग्राम में जो एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रह गई थी मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये बतानी थी कि हमेशा पार्टोग्राम प्लॉट करना स्टार्ट करना होता है तब जब फीमेल फोर सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी होती है, ठीक है। फोर सेंटीमीटर के बाद से ये स्टार्ट होती है प्लॉटिंग, उससे पहले नहीं करते क्योंकि उससे पहले होता है आपका लेटेंट फेज फर्स्ट स्टेज का और उसमें प्लॉटिंग की जरूरत नहीं होती, बहुत स्लो होता है। 4 सेंटीमीटर के बाद आप करते हैं और उसके बाद प्रोग्रेस जो उसूलन होनी चाहिए मैंने आपको जिस तरह बताया था कि 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेट करनी चाहिए फीमेल। तो अगर वो 4 सेंटीमीटर पे हम प्लॉट करना उसे शुरू करते हैं और हर घंटे में 1 सेंटीमीटर वो डायलेट करती है तो अगले 6 घंटे में फीमेल को पूरा 10 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। और अलर्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी ना वो इसी हिसाब से की थी। असल में अगला क्वेश्चन एक तो ये मैंने आपको बताना था ना कि 4 सेंटीमीटर डायलेशन से शुरू करना है आपने इसको। दूसरा मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि इसको हम जो इंटरप्रेट करते हैं वो हम किस तरह करते हैं, कि मुझे क्वेश्चन हो भी सकता है अभी तक किया नहीं किसी ने कि हमने 3 तरह की लाइंस प्लॉट की हैं। देखिए ये हमारी जो गोले वाली लाइन है ये स्टेशन की लाइन है, ये जो क्रॉसेस वाली लाइन मेरी गई है ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखें ये डायलेशन वाली लाइन है। इसी तरह ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 ये वाली जो लाइन जाती है ये है सर्वाइकल लेंथ की लाइन। तो इसमें से अलर्ट लाइन किस लाइन के साथ हम जोड़ के कहेंगे कि ये लाइन जो है वो इसके हिसाब से नॉर्मल है या नहीं है। तो बात ये होती है कि मैंने आपसे कहा था कि हमने प्लॉट करना शुरू करना है 4 सेंटीमीटर डायलेशन पे। तो यहां पर आप देख लें कि हम पहले इधर से देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर होगा, 2 इधर होगा, 3 इधर और 4 इधर। तो पहला क्रॉस हमने लगा दिया 4 सेंटीमीटर पे कि यहां से हमने शुरू करना है और यहीं से हमने अलर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिये अलर्ट लाइन यहां से जाएगी इधर तक। अब ये लाइन तो हमने सीधी ड्रॉ कर ली, लेकिन ये बता क्या रही है कि अगर हमने हर घंटे घंटे का यहां पर फासला लिया है तो हर घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए और सूलन अगले 6 घंटे में पूरा यहां 10 सेंटीमीटर तक पहुंचाना चाहिए। तो देखें यहां पर 6 ही घंटे हैं डब्बे हैं बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देखें छठे डब्बे के एंड पे ये पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया ये वाली लाइन, ठीक है। देखिये अलर्ट लाइन मेरी यहां पर आके ये लग रही है, सही है, देखिए यहां से लेकर यहां तक। तो इस दरमियान में, इस अलर्ट लाइन के दरमियान में जो डब्बे आए हैं 6 डब्बे, इसका मतलब है 6 घंटे में फीमेल को पूरा डायलेट हो जाना चाहिए। अब आप खुद देख लें कि अगर मेरा डायलेशन वाला जो कर्व है, मेरा वाला जो कर्व है वो क्रॉस 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 ये है ना क्रॉसेस सारे, ठीक है। इन क्रॉसेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी डायलेशन हुई है इस जगह पर आके, यानी कि यहां पर उसूलन हो जानी चाहिए थी, उसूलन डायलेशन इस जगह हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2 घंटे लेट डायलेशन हुई है। इसका मतलब है कि मेरी डायलेशन की प्रोसेस स्लो थी यहां पर, ठीक है। इसी तरह जब मैं बात करती हूँ स्टेशन की, तो उसूलन जब 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है बच्चे का सर, तो स्टेशन उसका हो जाना चाहिए बिल्कुल 0/5, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब 10 सेंटीमीटर फीमेल डायलेट हो जाती है तो उसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है और सेकेंड स्टेज में बच्चे का सर एब्डोमिनली पैल्पेट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपका स्टेशन जो है वो मजीद नीचे आ जाना चाहिए था, तो एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा और नीचे आ जाता, जहां लगे यहां पर स्टेशन भी आपका काफी ऊपर है। और जब आपकी फीमेल 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है तब लेंथ तो सर्विक्स की रहती ही नहीं है, तो यहां पर सर्वाइकल लेंथ भी मौजूद है जिसका, और सर्वाइकल लेंथ भी आके यहां पर खत्म हुई है, ठीक है। इधर 10 सेंटीमीटर जहां डायलेशन हुई वहां सर्वाइकल लेंथ आके बिल्कुल खत्म हुई है, जो कि थोड़ी सी नॉर्मल से डिलेड है। तो इस तरह आप इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, ये बात मैंने आपको बतानी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर। अब चलिए देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर टॉपिक जो इस वीडियो का, विच इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर। अब मैं इसमें आपको वो सारी बातें बताऊंगी, इसमें से आपके ना एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, बाकायदा ये लिखने के लिए आना कि पूरी स्टेज की मैनेजमेंट लिखें, ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें से आपके बीच में से वाइवा के एससीक्यू के क्वेश्चन और बीच में से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन वाइवा के तो ऑफकोर्स होते ही होते हैं। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, बातें बहुत आसान और बहुत मजेदार सी है, ठीक है। अच्छा होता क्या है जी, अब फर्स्ट स्टेज आपको याद है, स्टेजेस मैंने बता दी है, स्टेजेस उस तरह से मैं रिपीट नहीं करूंगी कि फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है आपकी जब शुरू से लेकर, मतलब बिल्कुल शुरू जब आपकी हल्की हल्की लेबर पेन शुरू होती है वहां से लेकर जब तक सर्विक्स 10 सेंटीमीटर पूरा डायलेट नहीं कर जाता वो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, ठीक है। अच्छा अब इसके आपको पता है, मैंने याद होगा आपको कि 2 फेजेस में हमने इसे डिवाइड किया था। पहला फेज उसके होता है इसका जिसमें आपका जो सर्विक्स है वो 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है, इसको हमने कहा था लेटेंट फेज। लेटेंट फेज वो फेज होता है जिसमें अभी बहुत स्लो स्लो प्रोग्रेस चल रही होती है और इसमें अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो कभी डायलेशन का रेट जो इस फेज में है वो होता है कि 2 आवर्स में 1 सेंटीमीटर डायलेट करना होता है, यानी कि 0 से 4 तक पहुंचते पहुंचते इसको 8 घंटे लग जाएंगे और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। लेटेंट फेज अक्सर बहुत स्लो होती है, तो इस वजह से अगर फीमेल हमारे पास आती है और वो भी लेटेंट फेज में बिल्कुल हल्की हल्की उसको लेबर पेन्स फील हो रही है, बहुत हल्की, और उसके साथ मतलब उसको कहते हैं मुझे लोअर बैक में, अक्सर फीमेल्स कहते हैं कमर में पीछे थोड़ा सा दर्द है लोअर बैक में, ठीक है, उसके साथ मतलब लेबर पेन्स को वो उस वक्त इस तरह डिफाइन कर रही होती है,
कमर में हल्का हल्का दर्द है और उसका सर्विक्स अभी 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो इसका मतलब है कि वो लेटेंट फेज में, तो लेटेंट फेज में हम उसे घर भेज देते हैं फीमेल को। आइडियली बेहतर यही होता है क्योंकि अगर आप उस वक्त उसको एडमिट कर लेंगे या फिर उसको लेबर रूम में भेज देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उससे डिलीवरी और डिले हो जाती है। तो साइकोलॉजिकली ये बात ज्यादा बेहतर होती है कि घर भेजना ज़ाहिर तब मुनासिब है कि अगर फीमेल का घर इतना करीब है कि वो जब दोबारा उसे जरूरत पड़ेगी और हम तो तब वो आ भी सके। अगर वो कहीं बहुत दूर से आई तो जाहिर सी बात है कि आपने उसे हॉस्पिटल में ही रखना है। लेकिन जो आइडियल तरीका ये होता है कि वो यही होता है कि आप जितना लेबर रूम से दूर रखें फीमेल को इस फेज में उतना ही बेहतर होता है, उतना ही उसकी जो नॉर्मल प्रोग्रेस है वो ज्यादा बेहतर चलती है। तो बहरहाल आपने उसको लेबर रूम में तो बिल्कुल नहीं लेके जाना, वार्ड में एडमिट कर लें या जहां भी आपका और दूसरा रूम है वहां पर, या फिर आप उसे घर भेज दें इस बात के साथ बता के कि अभी वो घर जाए और चले फिरे सही से, नॉर्मल काम वाम कोई करना चाहती है हल्का फुल्का सा तो बेशक करे, हल्का फुल्का आराम से खाए पिए भी, पानी भी अच्छी तरह पिए, कोई खाने पीने में मना नहीं है कोई चीज, पानी मना नहीं है, सही से पानी पिए और चले फिरे भी, बैठ नहीं जाना, लेट नहीं जाना। अगर लेटने की जो पोजीशन है ना, सुपाइन पोजीशन, जो अक्सर फीमेल्स लेट जाती हैं, वो प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। जितना फीमेल स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगी उतनी प्रोग्रेस बेहतर होगी। बल्कि हम फीमेल को कहते जाता है कि अपने नॉर्मल काम वाम कंटिन्यू रखे ताकि थोड़ी बहुत एक्जर्शन भी हो उसकी, ठीक है। तो लेटेंट फेज में आपका ये हिसाब होता है। और अगर आपने एडमिट भी किया तो भी आप फीमेल को मोबाइल रहने का, चलने फिरने का कहते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो जाती है। और इस फेज में अगर उसको बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर सिंपली को उसको एनाल्जेसिक जैसे पैरासिटामोल दे देते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं देते। अभी आपने एपिड्यूरल इस फेज में लगाने की तब तक जरूरत नहीं पड़ती जब तक उसका सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाता, ठीक है। और उसके अलावा जो इस फेज में लेटेंट फेज में वजाइनल एग्जामिनेशन है वो आपकी हर 4 घंटे बाद होती है, every 4 hours। ये जरूरी नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है, मतलब कोई लिखी बात नहीं, बस एक तरीका यही है क्योंकि इसमें सर्विक्स की डायलेशन बहुत स्लो होती है ना, तो हर 4 घंटे बाद मिडवाइफ जो है या डॉक्टर जो है वो आपके एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स कर लेती है कि आप कितना डायलेट हुआ है। अगर कोई मसला है फीमेल को, कोई प्री मॉर्बिड है या बच्चे की हार्ट रेट में कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है या कोई ऐसा इशू है तो, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चीज को जल्दी कर सकते हैं। मतलब आप 4 आवर्ली के बजाय पर आवर भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 4 आवर्ली एग्जामिनेशन इज फाइन। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कि आपने और क्या चीज देखनी होती है, आपने डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट देखना होता है, यानी कि आपका प्रेजेंटिंग पार्ट कौन से, पहली बात सर है या नहीं है और उसकी डिसेंट कैसी जा रही है, वो जाहिर है आप करेंगे एब्डोमिनल पैल्पेशन से। उसके बाद आपने देखना होता है मेम्ब्रेन्स को कि मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज में अभी जो आपका लेटेंट फेज है कभी कभार उसमें भी, कभी कभार एक्टिव फेज जब शुरू हो जाता है उसके बाद मेम्ब्रेन अक्सर खुद ब खुद भी रप्चर हो जाती है और कभी कभार रप्चर नहीं भी होती, इंटैक्ट होती है। तो आपने उनको असेस जरूर करना है ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन कि इंटैक्ट है या रप्चर्ड है, और अगर रप्चर हो चुके हैं तो फिर आपने देखना होता है या पूछना होता है फीमेल से कि लाइकर जो निकला था उसका कलर कैसा था और कितनी अमाउंट में ड्रेन हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेकोनियम स्टेन या ब्लड स्टेन भी हो सकता है एबनॉर्मेलिटीज के केस में। देन व्हाट यू हैव टू असेस इन फर्स्ट स्टेज जो होता है मटर्नल एंड फीटल कंडीशन। मटर्नल कंडीशन में जाहिर है आप देखते हैं कि मदर की वो कैसी आ रही है, कॉन्ट्रेक्शन कैसी आ रही है, इसकी जनरल कंडीशन कैसी है, उसकी हम फिजिक विशेष के बारे में पूछते हैं कि वो बर्थ पार्टनर किसको रखना चाहती है, बर्थ प्लेस वो घर पे या फिर हॉस्पिटल में जो चूज करती है कौन सी उसके लिए बेहतर है, और क्या उसको एपिड्यूरल चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये सारी जो बातें हैं ये ऑनेस्टली हमारी सेटिंग में तो बहुत कम ही किसी मदर से पूछी जाती हैं वो कि बर्थ पार्टनर किसको रखेगी और कहां पर डिलीवर होगी। ज्यादातर ये फैसला हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स हैं वो या फिर जो फीमेल है उसकी घर वाली कर रहे होते हैं, मदर खुद तो शायद ही हमारे यहां कोई फैसला करती हो, लेकिन टेक्स्ट के मुताबिक आपने बातें करनी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने फीटल ऑब्जर्वेशन में फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट और उसकी डिसेंट को देखना होता है कितना अच्छा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जब एपिड्यूरल हमने देना होना तो फिर जब 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है तो फिर हम एपिड्यूरल दे देते हैं फीमेल को। एपिड्यूरल का मतलब होता है कि आप पीछे से एपिड्यूरल फेस में एनाल्जेसिया दे देते हैं, उससे ये होता है कि उसकी कॉन्ट्रेक्शन जो है वो उसे फील नहीं होती और डिलीवरी थोड़ी सी 1-2 घंटे डिले होती है लेकिन पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपने 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए तो फिर आपने एपिड्यूरल दे देना है, ठीक है। और जब 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है उसके बाद आप उसको एडमिट कर लेते हैं, एडमिट से मुराद है कि अपने पास रख लेते हैं, और फिर जो आपने एग्जामिनेशन करनी होती है वो पर आवरली या हर 2 घंटे बाद आप कर लें, 2 आवरली बेहतर होती है, ठीक है। every 2 hours आप वजाइनल एग्जामिनेशन करें और आप असेस करें, हर 2 घंटे बाद सर्विक्स को 2 सेंटीमीटर डायलेट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 पे प्रेजेंट की थी, 2 घंटे बाद सर्विक्स को 6 हो जाना चाहिए, अगले 2 घंटे बाद 8 हो जाना चाहिए, अगले 2 घंटे बाद 10 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये असूलन टाइम होता है इसका, अगले वाले टाइम का। अच्छा, देन कुछ चीजें, एक चीज होती है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। एक्टिव मैनेजमेंट से मुराद ये होता है कि आपने मुस्तकिल फीमेल को मॉनिटर करता रहना है, हर 2 घंटे बाद उसकी वजाइनल एग्जामिनेशन करनी है,
रप्चर भी खुद कर देने, मेम्ब्रेन्स को ऑक्सीटोसिन भी इन्फ्यूज कर देने, ठीक है। इसको एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। नॉर्मली हम इसको मुस्तकिल नहीं कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो मिडवाइफरी केयर या डॉक्टर केयर हर घंटे बाद मिलता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब ऐसा कम नहीं होता है, प्राइवेट सेटिंग में होता होगा थोड़ा बहुत, बड़ा नहीं होता। और इसी तरह जो स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है हम ज्यादातर उसी का वेट करते हैं और खुद से रप्चर हर दफा नहीं की जाती। और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन भी सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में इस्तेमाल की जाती है, नॉट टू एवरी पर्सन, ठीक है, टू ऑगमेंट कॉन्ट्रैक्शंस। लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो उसको एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो वरना फर्स्ट स्टेज में ये सब कुछ होता है, शुरू में घर भेज देना होता है और फोर के बाद आपने रखना होता है, दो घंटे बाद असेसमेंट करनी होती है, मटर्नल फीटल असेसमेंट चलती है एंड दैट्स इट। सीटीजी आप कर लेते हैं एक दफा ताकि आप फीटल हार्ट को देख लें, फिर आपकी सेकेंड स्टेज। अब बिगनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज का पता कैसे चलता है? इस स्टेज का पता ऐसे चलता है कि मदर को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आना चाहती है, इन विच देर इज एन अर्ज टू पुश, मतलब कि इसके इस स्टेज को भी आपको याद होगा हमने दो में डिवाइड किया था, एक इसकी पैसिव थी और एक एक्टिव थी। पैसिव में मैंने आपसे बताया था कि ऐसी कॉन्ट्रैक्शन आती है कि जिसमें मदर को कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन खुद से अर्ज टू पुश यानी बाहर निकालने वाली बात नहीं होती। एक्टिव में ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन भी स्ट्रांग होती है और देर इज मटर्नल अर्ज के वो बाहर निकल जाए। तो स्टार्ट या सेकंड स्टेज तभी होता है जब मदर को बहुत स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन आती है और वो पता उसे लग रहा होता है कि अब बस इसके बाद बच्चा बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब शी कैन फील दैट ना, तो उसको हम कहते हैं कि अब सेकंड स्टेज शुरू होगी है। उस वक्त सेकंड स्टेज के टाइम पे साथ आपका जो सर्विस है वो 10 सेंटीमीटर है पूरा डायलेट हो चुका होना चाहिए विद कंप्लीट इफेसमेंट, मतलब हर थिनिंग भी पूरी हो चुकी होनी चाहिए, लेंथ उसकी जीरो हो चुकी होनी चाहिए एंड 10 सेंटीमीटर पूरा का पूरा डायलेटेड होगा। उस वक्त आपकी जो सेकंड स्टेज है वो शुरू हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, मैंने बताया था आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आपने पहले ही दे देना होता है इसमें, ताकि फीमेल की जो लेबर पेन्स है, जो पेनलेस डिलीवरी की जिनकी डिमांड होती है, ताकि उनकी जो लेबर पेन्स है वो उन्हें फील ना हो सके। इससे थोड़ा सा एक दो घंटे डिलीवरी का ये वाला जो फेज है डिले हो जाएगा, लेकिन स्टिल तो ऐसे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इसमें आप जब आपका एक्टिव फेज आता है ना, तब आप इसमें पैसिव फेज जो होगा ना उसमें आपने फीमेल को नहीं कहना कि वो जोर लगाए, क्योंकि अगर वो पैसिव फेज से जोर लगाने लग जाएगी खुद से तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी पहले से ही एनर्जी जाया हो जाएगी और फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि पैसिव फेज में बच्चे का सर थोड़ा ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल टू डिलीवर नहीं होता ना कि बस अभी डिलीवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब पैसिव फेज चल रहा होता है यानी कि अभी आपको पता होता है कि फीटल हेड जरा ऊपर है, थोड़ा सा स्टेशन अभी ऊपर है, तो फिर आप उसको जोर लगाने नहीं कहते, बल्कि आप उसे कहते हैं आप वो खड़ी रहे, या और उसकी खास पोजीशन होती है, या तो आप उसके स्क्वाटिंग पोजीशन का कहते हैं जैसे आप वॉशरूम के लिए बैठते हैं उस पोजीशन में, या ऑल फोर्स का, ऑल फोर्स का मतलब जैसे जानवर नहीं होते चारों हाथों पांव पे घुटनों पे और हाथों के बल, उस तरह का इन पोजीशन से ना डिलीवरी जो बच्चे की डिसेंट है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो हम उसको पैसिव स्टेज जो है सेकंड स्टेज की पैसिव फेज है उसमें हम उसको बिल्कुल भी लिटा के और डिलीवर करा के जोर लगाने का नहीं कहते, बल्कि उसको चलने फिरने का स्क्वाटिंग का और फोर्स का कहते हैं ताकि बच्चे का सर जल्दी नीचे आए। और जब वो उसका हमें नजर आता है कि बच्चे का सर बिल्कुल आगे पहुंच गया है, मतलब बिल्कुल जस्ट टू डिलीवर है और उसको बहुत ज्यादा अर्ज टू पुश आ रही है, फिर उसका एक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है और फिर हम उससे कहते हैं कि अब वो जोर लगाए ताकि बच्चा डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या चीज है जी, उसमें जो डिसेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द हेड है उसमें ये होगा सबसे पहले कि जब बच्चे का सर थोड़ा सा भी पीछे, मतलब अंदर ही वल्वा के अंदर ही है और थोड़ा सा पीछे बुरा है कि बस डिलीवर होने वाला है लेकिन थोड़ा पीछे है, तो सबसे पहले जब बच्चे का सर आगे आ जाता है तो उससे, क्योंकि आपका पूरा पेरिनियल एरिया डिस्टेंड होता है ना, तो उसमें आपका ये अगर सपोज वजाइनल होल है और एनल केनाल का होल है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन आती है ना माँ को तो एनल केनाल डिस्टेंड हो जाती है बहुत ज्यादा सारी। आप कभी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि क्योंकि अभी बच्चे का सर इधर पीछे होता है, इस होल के करीब नहीं आया होता लेकिन यहाँ पीछे एक चीज पड़ी हुई बड़ा जोर लगा रहे, तो एनल केनाल बड़ी डिस्टेंड हो जाती है ऐसे, ठीक है, उसे आपको पता चलता है कि सर बिल्कुल सामने ही है। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा जब और बच्चे का सर आगे आएगा तो वो आपको वल्वा पे नजर आने लग जाएगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जाहिर मटर्नल, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन मुस्तकिल नहीं आती, कॉन्ट्रैक्शन आती है एक जोर लगाती है माँ और फिर वो कॉन्ट्रैक्शन बीच में थोड़ी मिनट्स के लिए स्टॉप होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो जो बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन आती है तो बच्चे का सर ऐसे आपको बाहर नजर आता है डिस्टेंडेड वल्वा के साथ, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन रुकती है तो सर थोड़ा सा फिर पीछे चला जाता है जैसे नॉर्मल सा होता है। तो जब तक ये प्रोसेस चलता है ना तब तक तो हम उसको क्राउनिंग नहीं कहते, लेकिन जब बच्चे का सर वल्वा से इतना सा बाहर आ जाए कि अब जब कॉन्ट्रैक्शन जाए भी तो हेड वापस रिसीड बैक ना हो, उसको हम एग्जैक्टली क्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्राउनिंग का जो एग्जैक्ट लफ्ज है ना, डेफिनेशन है उसको यही है कि जब सर इतना बाहर आ जाए, जाहिर है सर अगर अंदर होगा फिर तो ऐसा नहीं होगा ना, सर अगर आधा बाहर आ जाएगा या थोड़ा सा बाहर आ जाएगा कि अब वो कॉन्ट्रैक्शन के जाने पे भी रिसीड बैक नहीं कर रहा तो वो क्राउनिंग हो जाती है।
और क्राउनिंग के बाद उसका सर पूरा का पूरा डिलीवर होता है बच्चे का। ठीक है, इसमें हमारे यहाँ जो अप्रोच इस्तेमाल होती है वो हैंड्स ऑन अप्रोचेस है। दोनों दो अप्रोचेस होती हैं। हैंड्स ऑन अप्रोच में हम ये करते हैं कि हम जब डिलीवरी हो रही होती है तो हम बच्चे के सर को थोड़ा सा एड करते हैं। मतलब जाहिर है मैंने आपको बताया ना कि अच्छी फ्लेक्शन जितनी होगी उतना अच्छा सर डिलीवर होगा। तो हम नीचे से ऐसे करके, अगर ये वाली जगह है ना, तो हमने एक रखा पकड़ा हुआ होता है बड़ा सा गॉज पीस सा होता है, उसको पकड़ के हमने इधर बिल्कुल वजाइनल होल जो होता है इसके नीचे से यहाँ पर ऐसे रखा हुआ होता है हमने वो गॉज पीस सा। ठीक है, हाथ ऐसे एक बंदी के हाथ में होगा, सपोज कर ले कि ये है। ठीक है, ऐसे करके होता है और यूं मैंने पकड़ के नीचे बिल्कुल वजाइनल होल के रखा हुआ होता है और उससे मैं थोड़ा सा प्रेशर दे रही हूँ। तो उससे क्या कर रही होती हूँ, मैं बेसिकली बच्चे का जो सर मेरे आपको बताया था वो बाहर आना होता है, वो ऐसे मुंह नीचे की तरफ है और अच्छा वाला फ्लेक्शन हुई है। अब अच्छी वाली फ्लेक्शन को मैं थोड़ा सा पहले फ्लेक्स करवा के उसको हेल्प आउट करती हूँ ताकि वो हेल्प जल्दी से हो जाए, और जैसे ही बच्चे का सर बाहर आने लगा होता है तो फिर मैं हाथों से पकड़ के उसको हल्का सा वो एक्सटेंशन करा लेती हूँ ताकि अब होते बाहर आके एक्सटेंशन होगी तो सर पूरा डिलीवर होगा। इसमें क्या होता है कि जब आप हेड की डिलीवरी को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ना, इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, तो उससे मदर की वजाइनल और पेरिनल टीयर्स का खतरा कम हो जाता है। तो ये हैंड्स ऑन अप्रोच होती है जिसमें जो डिलीवर कराने वाला बंदा है उसके हाथ साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा एड दे दें। एक और अप्रोच होती है हैंड्स ऑफ अप्रोच जिसमें बिल्कुल भी एड नहीं दी जाती और बस सारा का सारा बच्चा खुद ही डिलीवर होता है, मतलब मटर्नल पुश से और कॉन्ट्रैक्शन से। उसमें प्रीनियल और वजाइनल टीयर्स का खतरा और ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ हैंड्स ऑन अप्रोच ही इस्तेमाल की जाती है। इसके बीच में आपने देनी होती है एपिजियोटमी। एपिजियोटमी है सर्जिकल कट जो आपने लगाना कब है जी, जब आपका बच्चे का जो सर है वो बिल्कुल क्राउनिंग के करीब होता है, इवन क्राउनिंग हो ही चुकी होती है, और उस टाइम वो वाला टाइम होता है जिस वक्त आपका ये वाला जो एरिया है ना जो आप देख रहे होते हैं, ये वल्वा और पेरिनियल एरिया, ये मैक्सिमम डिस्टेंडेड होता है, आपने उस वक्त एपिजियोटमी देनी है। एपिजियोटमी को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एपिजियोटमी बेसिकली सर्जिकल कट जो आप लगाते हैं पेरिनियल स्किन में ताकि बच्चे की जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो जब क्राउनिंग यानी कि बच्चे का सर अब वापस रिसीट बैक नहीं कर रहा होता, वल्वा और आपका सारा एरिया डिस्टेंडेड होता है, उस वक्त आप क्या करते हैं, ये मेरा अगर वजाइनल होल है तो यहां से आप एक कैंची लेते हैं, मतलब जाहिर है जो आपकी सर्जिकल सीजर्स है, और मीडियो लैटरल डायरेक्शन में, मतलब इधर इसके लोअर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर से मीडियली शुरू करके इधर इस तरह लैटरली जाते हैं टुवर्ड्स राइट साइड मोस्ट टाइम। ठीक है, मैं लेफ्ट की तरफ ले गई हूं, मतलब मदर के राइट साइड की तरफ। तो ये आपका इस तरह से आप लगाते हैं इसको, इस डायरेक्शन में मीडियो लैटरली लगाने का फायदा ये होता है कि यहां पर आपकी पड़ी हुई होती है एनल किनाल और वजाइना के दरमियान में पेरिनियल बॉडी, इसको आपने डैमेज करने से बचाना होता है, अदरवाइज आपका जो बुरा टीयर आ सकता है। तो इसलिए आप इसको मीडियो लैटरली कट लगा देते हैं स्किन में। जब आप इसको इधर से काट देंगे तो वजाइनल ओपनिंग थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और हेड भी आसानी से डिलीवर हो जाएगा और बॉडी भी आसानी से डिलीवर हो जाएगी। तो जिनमें फौरन तो फौरी खुद ही डिलीवरी हो जाती है उनमें एपिजियोटमी नहीं देते, हर किसी में नहीं देते, लेकिन जिसमें आपको नजर आ रहा होता है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है तो उसमें आप दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जहाँ एपिजियोटमी देने के बाद आपने अगला काम होता है कि हेड डिलीवर हो जाता है, हेड के बाद डिलीवरी, हेड डिलीवर होने के बाद नहीं एपिजियोटमी देनी होती, हेड से पहले देनी होती है जब क्राउनिंग हो रही हो, यानी हेड रिसीट बैक ना करो तब। अच्छा, उसके बाद होता है आपका शोल्डर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। हेड डिलीवर हो जाते हैं तो आपको मैंने बताया था कि रेस्टिट्यूशन होती है कि हेड थोड़ा सा टिल्ट होता है और अलाइन करता है शोल्डर्स के साथ, फिर आपने सबसे पहले हल्की सी जनरल सा एंटीरियर शोल्डर को थोड़ा सा आप ऐसे प्रेस करते हैं ताकि पहले वो डिलीवर हो जाए, ऊपर की तरफ होता है ना, यूं होता है। ठीक है, ये एंटीरियर शोल्डर है, ये बच्चे की बॉडी है, पोस्टीरियर शोल्डर, यहाँ पर बच्चे का सर बाहर आ चुका होता है, तो एंटीरियर शोल्डर होते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे, इसको आप जरा सा प्रेस करते हैं पहले वो बाहर आता है, फिर इधर से पोस्टीरियर शोल्डर बाहर आता है, फिर पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है। शोल्डर डिस्ट्रोशिया कंडीशन होती है जिसमें शोल्डर फंस जाते हैं, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, एंड देन जब जरा बच्चा पैदा होगा तो अपने फोई तो पे बच्चे को जैसे ही डिलीवर हो जाते हैं साथ ही मटर्नल पेट पे ही मदर के एब्डोमेन पे आप उसको रखते हैं। ठीक है, और साथ उसके बाद आप उसकी कॉर्ड को क्लैंप करके कट करते हैं, थोड़े एक दो मिनट, एक आध मिनट अगर रह भी जाता है ना कॉर्ड क्लैंप होने में तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मदर का ब्लड फीटस में आ जाएगा तकरीबन 80 ml, तो उससे फायदा ही होता है कि बच्चे को एनीमिया नहीं होता। अगर आपने कॉर्ड फौरन ही क्लैंप कर दी तो फिर तो बहुत बच्चे को एनीमिया होने का खतरा होता है, तो मतलब करते फौरन नहीं है लेकिन विदिन मतलब 30 seconds 1 minute इट्स फाइन। उसके बाद कॉर्ड क्लैंप करके आपने बच्चे को ड्राई करना है अच्छे से, सर को बाकी जगह को अच्छे से वार्म ब्लैंकेट में कवर करना है, सर को जरूर कवर करना है वरना डिहाइड्रेशन हो जाती है, और उसका फर्स्ट मिनट पे बच्चा फौरन रोना चाहिए, बच्चा विद इन सेकेंड रोना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी के बाद तो पहले मिनट पे आप उसका एपगार स्कोर लेते हैं और फिर 5 मिनट पे लेते हैं, और अगर जरूरत है तो उसको रिससिटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, थर्ड स्टेज अगले में करें, किसी को मसला। थैंक यू।